Hey, good morning guys and welcome back to our channel Preja Vlogs. बज रहे सुबह के 6। आप सोच रहे होंगे मैं 6 बजे इतनी रेडी होके कहाँ जा रही हूँ। मैं एक्चुअली सूरत से आई थी मेहसाना मेरी बीएड की एग्जाम के लिए, फिर मेहसाना से आई मैं अहमदाबाद। मम्मी को फिर से कमर का दिखाना था तो उनके साथ जाने के लिए, तो अभी मैं, मम्मी, मेरे मामा एंड मामी, हम चार लोग जा रहे हैं मम्मी के गांव, यानी कि बोलते हैं कि चंडालज बोलते हैं, वहां पे जा रहे हैं। वहां पे दर्शन वगैरह करेंगे, उसके बाद मेहसाना जाएंगे। वहां पे मम्मी को भी दिखाना और मामा को भी दिखाना है, दोनों को दिखाएंगे। उसके बाद मेरी मौसी के घर जाएंगे, वहां पे खाना वाना खा के फिर सीधा अहमदाबाद रिटर्न आएंगे, क्योंकि मेरी 4 दिन की छुट्टी है। तो मैंने सोचा मैं अहमदाबाद ही चले जाऊँ। प्रेरक तो अभी सो रहा होगा, तो अपने रेडी हो गए हैं, अभी चाय नाश्ता करते हैं, उसके बाद निकलते हैं फटाक से 6:30 बजे तक। मामा ने बोला था कि 6:30 बजे तक निकल जाएंगे ताकि रात को जल्दी घर आ सके। डाइनिंग टेबल पे आ गए हैं चाय एंड हमारा फेवरेट वाला खाखरा। मेरे को हाथ से बने हुए खाखरा ही पसंद है, जो मशीन में बनते ना वो मेरे को पसंद ही नहीं है। तो खाखरे खाते बज गए हैं ऑलमोस्ट 6:30 एंड 5 बज गए। जल्दी करते फटाफट, फिर मामा का कॉल आ जाएगा, फिर निकलेंगे। और ये पापा की चाय रेडी। ये अच्छा काकड़ा नहीं है, ये पुराना काकड़ा है। ऐसे रखते हैं भाई हमारे घर में टूटे फूटे काकड़े। नहीं वो कोई नहीं खाएगा, यही खाएंगे। पापा भी घी मांग रहे हैं। चलो भाई घी खा के ताजे माजे हो जाओ आप। जैसे कि हर गुजराती एंड हर अहमदाबादी लेट होता है, ऑलवेज ऑन टाइम कभी नहीं निकलता। धूप बहुत अच्छी आ रही है। 8 बज गए, 6:30 को निकलना था लेकिन बज चुके हैं ऑलमोस्ट 8। और मामा पूजा पाठ कर रहे थे, उनको लेट हो गया। और जस्ट मामी का कॉल आया कि हम लोग आ गए गेट पे, तो तुम लोग भी आ जाओ। तो हम लोग जा रहे हैं अभी, फाइनली 8 बजे निकल रहे हैं हम लोग, है ना मम्मी? हम आज ऑन टाइम रेडी थे लेकिन मामा मामी ने लेट कर दिया। हम 6 बजे के रेडी है, मम्मी ने मेरे को 5:30 का उठा दिया है। मैंने बोला सही है, मेरे को 1 घंटा सोने देती, तो मैं बोल रही है मेरे को थोड़ी पता था कि लेट होगा, वरना मैं तेरे को सोने देती। ये रोड देख के आप लोगों को अंदाजा आ गया होगा कि हम लोग ऑलमोस्ट, ये हाँ जनपद देख के भी पता चल गया होगा। और ये वाला भी, अभी मामा और मम्मी वहाँ पे बैठे हैं, मामी भी बैठे हैं, उन लोगों को भूख लगी थी तो भाई ब्रेक ले लिया है। अभी फिर यहाँ से निकलेंगे सीधा हम जाने के लिए मेहसाना। मेहसाना ही जा रहे हैं, थोड़े बहुत और भी जगह पे जाना है लेकिन सबसे पहले नंबर आ जाएगा। ऑलमोस्ट बज गए 9, 10:30 बजे कमर वाला नंबर आ जाएगा। डॉक्टर आ गए, कॉल आ गया है मासी का, तो पहले वहाँ जाएंगे, उसके बाद जहाँ कहीं भी दर्शन दर्शन करने जाना है उसके बाद। मम्मी मामी चाय पी रहे और साथ साथ ब्रेकफास्ट सुबह का हो गया है हमारा, भजिया गरम। ये रहे मामा, हम 4 आए हैं सिर्फ। मम्मी भूख लगी थी तेरे को, टेस्ट कर रही थी क्या? कभी नहीं खाया इधर का भजिया तूने? तो फिर टेस्ट क्यों कर रही है फिर से? मासी के घर आ गए, मम्मी जाके लाइन में बैठ गई। और आपको बैकग्राउंड आवाज आ रही होगी तो बता दूं मैं आपको कि आज बीज है तो उसका हवन चल रहा है इधर। थोड़ा दूर से दिखाती हूँ, नजदीक जाके नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मेरे को मम्मी के साथ बैठना है, वो अकेले बैठी है ना। तो डॉक्टर को दिखा दिया, मम्मी को और मामा को दोनों को दिखाना था, तो डॉक्टर ने बोला है कि दोनों में से किसी को भी नेक्स्ट टाइम आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा हो गया मम्मी को भी, लेकिन थोड़ा रेस्ट करने को बोला है। अभी खाना वाना सब, लंच वगैरह हमने सब ख़त्म कर लिया है और मामी थोड़ी बहुत हेल्प करा रही है, मासी को मैंने भी करा ली और मामी की पहन ली मैंने। मेरे को पसंद आई तो कोई नहीं, अभी यहाँ से जाएंगे मेरी मम्मी के गांव, मतलब कि मम्मी के मायके जाएंगे हम लोग, जिसको बोलते हैं चंडालज बोलते हैं। वहाँ पे जाके दर्शन करने हैं माता जी के, उसके बाद किसी के घर जाना है 2-3 लोगों के, उसके बाद हम जाएंगे अहमदाबाद। आज रात को अहमदाबाद जाएंगे वो तो पक्का ही है, लेकिन अभी पहली बार मैं जाऊँगी मेरे नाना के गाँव। नाना का ही गाँव बोलते हैं ना, मम्मी का मायका मतलब। तो मैं मेरी लाइफ में मैंने कभी उनका गाँव नहीं देखा था, तो मैं आज देखूँगी। ये आ गए हम लोग चंडालज, यानी कि चंद्रावती। मैं नाम भूल गई थी ना, चंद्रावती आए हैं, माता जी के दर्शन करेंगे पहले। और आगे के क्लिप में आपने जो देखा वो रैली थी मेहसाना के टावर साइड की, जो आज परशुराम जयंती है ना, तो उसकी रैली थी। अभी ये देखो मामा मामी एंड मम्मी
सब दुपट्टा उपट्टे डाल के मंदिर की ओर चल दिए। मम्मी मामा एंड मामी दर्शन कर रहे हैं माता जी के, और मैं आपको पूरा ओवरव्यू दिखाती हूँ ये वाले मंदिर का। तो यहाँ पे मामी बोल रही है, मैं पहली बार आई, मेरे को नहीं पता है, यहाँ पे नया मंदिर बन रहा है यहाँ पे, और इसके पीछे वाले कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और नीचे कुछ खाने का हॉल, मतलब जो हॉल बोलते हैं ना छोटे मोटे फंक्शन का, वो बन रहा है। और ये वाला कुछ इस तरीके से ब्रह्माणी माता का मंदिर है ये वाला, और इधर भी भगवान भगवान सब है। और उधर हनुमान दादा एंड शनिदेव का भी मंदिर है, और इधर भी हॉल बन रहा है खाने के लिए, मतलब लंच डिनर के लिए। गोगा महाराज का मंदिर है ये, और ये वाला ये। हाँ शनिदेव हाँ, हनुमान दादा के मंदिर में तो हम नहीं जा सकते ना, लेकिन शनिदेव का भी है। बजरंग बली, जय बजरंग बली, कमेंट कर दो भाई। और ये वाले शनि महाराज, मस्त मंदिर तो बना रहा है भाई। दादा के बाजू वाला ये मंदिर में इधर हवन होता है, ये हवन कुंड है, छोटे मोटे हवन होते हैं ना, वो पूरा ये हवन का पैसेज अलग ही बनाया हुआ है। दर्शन कर लो सब यार, सबको दर्शन करवा रही हूँ, अखंड ज्योत जल रही है वहाँ पे। ये दूसरे पैसेज में यहाँ तो पूरा ये कौन सा बोलते हैं इसको, पीपल का झाड़ है ये पूरा, इसकी पूजा होती है, सारी लेडीज मतलब इधर घूमती है ना, पूजा करती है। और ये हमारे महादेव, देवों के देव महादेव, पूरा नीचे जाके दिखाती हूँ आपको कि इस तरीके से ये खाने का हॉल बन रहा है इधर, अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी तो। कितने टाइम बाद चिड़िया देख रही हूँ बॉस। और इधर दूसरा अंदर भी है, ये दोनों देखो हमेशा बातें करते हैं, तो चलो ना लेट हो रहा है भाई। इधर बैठ जा मम्मी, तू तेरे को लेके जाती हूँ, इसमें बैठ जा। मंदिर गई थी तो सिंदूर एंड बिंदी कर दी, अभी एक मंदिर देख लिया, मतलब एक मंदिर के दर्शन करती है, अभी दूसरे मंदिर जाना है। बहुत ही मस्त बढ़िया बड़ा सा मंदिर बनाया हुआ है यार, मैं पहली बार आई लेकिन मज़ा आ गया। मेरे गाँव में तो इतना बड़ा मंदिर नहीं है, नहीं मम्मा हमारे गांव में छोटू सा मंदिर है, वो भी घर के अंदर है, लेकिन वो बहुत बड़ा मंदिर है भाई। तो मेरा गांव है ना इसीलिए। हाँ तेरा गांव, मम्मी बोले मेरा गांव है ना इसीलिए बड़ा है। मेरे पापा का गांव है। तेरे पापा का गांव है, वाह भाई वाह। अभी जा रहे हैं कौन से मंदिर जा रहे हैं अभी? वीर महाराज के, वीर महाराज के मंदिर जा रहे हैं हम लोग। दिखा दिया मैंने तेरा गाँव सबको, ये छोटी थी ना तो इधर पेड़ पे चढ़ के सारे क्या पत्थर फेंक के एरिया तोड़ती थी, आम तोड़ती थी। यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं तो कहाँ? वो तो मौसम में मामा की घर का कटासरा। यहाँ पे ये वाला मंदिर, मतलब घर में मंदिर है वीर महाराज का, और ये सुगरी का माला देखो कितना प्यारा सा बना है। और ये है वीर महाराज, यहाँ पे मनोकामना पूरी होती है सबकी, तो यहाँ पे ऐसे घोड़े चढ़ाते हैं चांदी के, दिख रहे होंगे आपको, मस्त मस्त प्यारे से छोटे छोटे घोड़े चढ़ाए हुए है। गाड़ी चलाई मामी ने आज, और चाबी निकालना ही भूल गए, ना लॉक करते थे ना अभी गाड़ी को, अभी आए उनके गाँव मेल्डी माता जी के दर्शन करने के लिए, दवाड़ा आए हैं, दवाड़ा। जो लोग दवाड़ा से है वो लोग देख लो यार, बहुत भीड़ है, हवन चल रहा है अंदर कुछ। महापूजा थाय ना, अरे पानी पूजा नहीं अंदर विदुष के पानी पास है, नृत्य करवू पड़े, नृत्य गीत वाज न ताल पानी माया दोचर ना आनंद गरबा मा पण लगी छे के माने संकेत। देखो गांव में आने का ये फायदा, प्योर गांव की फीलिंग मिलती है, चूल्हा ये इसमें गेहूं पीसते हैं, इसमें खाना बनाते हैं, और छोटे छोटे प्यारे प्यारे से घर है यहाँ पे। और ये वाला मेरी मामी का घर है, और यहाँ पे खुद ही हम लोग श्रीफल को खोल रहे हैं। ये पुश इट, 1 2 3 भी एक दवाड़ा में एक मंदिर है महादेव जी का, जो कि क्या बोलते हैं उसको, पौराणिक समय का है, अंदर लिखा हुआ है देखो, 12वीं सदी सोलंकी वंश पाटन गुजरात। पुरानी पुराने तरीके की मूर्तियां भी है, एंड इधर छोटू सा शिवलिंग, उसके बाजू में 5 शिवलिंग, और ये पार्वती जी की मूर्ति, और इतना ब्यूटीफुल सा इधर तालाब है छोटू सा। और मामी का कहना है कि ये पानी कभी खाली ही नहीं होता है,
और यहाँ पे और एक मंदिर पे आ गए। संभल के आना भैया, ब्रह्मानी माता का मंदिर। तो मेहसाना जाएंगे ना? पक्का पक्का। बहुत घुमा रही है आज मामी, बहुत घुमा रही है। चलना कहाँ रह गई ये टेढ़ी मेढ़ी, चल के आ रही है। आ गई हूँ अहमदाबाद, और अहमदाबाद वाली मेरी एक फ्रेंड जिसका नाम है उर्वी, आप लोग जिसको जानते हो कि उसका अभी कनाडा जाना फिक्स हो गया, वो आज रात की उसकी फ्लाइट है। तो मैं फटाफट से भाग के ये वाले केक वगैरह सब ला दिए हम लोगों ने, अब ये लेके फटाफट से भग लेते हैं उसके घर, वरना वो है ना जान से मार देगी। और ये नाइफ तो लाई ही नहीं है। सोना चाकू नहीं लाई है तू? अच्छा बैग में है। ओके है ओके डन। चल भाई चल भग लेते हैं फटाफट से अपना बकरा रेडी है जाने को। और ये सब फोटोग्राफी कर रहा है उसकी। केक वेक सब कट कर लेते हैं, अभी हमने जला लिया कैंडल्स। अभी ये देखो केक की ओर कैसे देख रही है। सब कट कर लिया, आगे की छोटी छोटी क्लिप्स में आप लोगों ने देखा होगा कि हम तीन का ग्रुप था, लेकिन एक फिर चला जाएगा। अभी दो लोग ही बचे हैं हम लोग सिर्फ और सिर्फ, तो अभी वो भी जा रही है, तो उसको सी ऑफ करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। उसकी 4 बजे की फ्लाइट है, तो हम लोग जा रहे हैं, उसको 1 बजे अंदर ले लेंगे एयरपोर्ट में। उसका चेकिंग वैकिंग बोर्डिंग वोर्डिंग सब चालू हो जाएगा। लगता है एयरपोर्ट पे सारी कनाडा जाने वाली ही पब्लिक टूट पड़ी है। इतना क्राउड मैंने एयरपोर्ट पे कभी नहीं देखा है। और ये देखो क्या सुन रही है तू? सबकी कन्वर्सेशन कन्वर्सेशन सुन रही है सबकी। अरे भाई साहब, इतना क्राउड कभी नहीं देखा हमने एयरपोर्ट में, तो कभी नहीं। लगता है सारे के सारे उमट रहे हैं कनाडा जाने के लिए। कनाडा वालों संभल जाना, अहमदाबादी आ रहे हैं, स्पेशली गुजराती सारे। अभी यहाँ पे कैनेडियन का फोटो शूट हो रहा है अपनी फैमिली के साथ, और यहाँ पे सब लाइन में खड़े हुए हैं कि भाई हमारी बारी कब आएगी। पैन मोमेंट पे बैग लॉक हो रही है और सारे जुट गए बैग लॉक करने में। फाइनली अभी हम दोस्तों की बारी आ गई फोटोग्राफी में, अभी इसके साथ फोटोग्राफी करवा रहे हैं ताकि उसकी बर्थडे में रख सके उसके फोटोज, एंड सी ऑफ का भी फोटो रखना है हैप्पी जर्नी करके। और ये अपने बाल सवारी की भी उसका नंबर आने वाला है अभी। चलो अभी यहाँ पे फाइनल फोटो सेशन हो रहा है लगेज के साथ। ये वाला नेसेसरी है, वरना ना कनाडा वाले एंट्री नहीं देते ये फोटोशूट ये वाला। चलो तो फाइनली गाड़ी जा रही है अपनी कनाडा की ओर। उर्वी को एयरपोर्ट ड्रॉप करने के बाद मैं आ गई हूँ घर, बज रहे रात के 2। अपने सो जाते हैं तब तक के लिए। अब देखो प्रेरक सर क्या कर रहे हैं, मतलब कि क्या ही कर रहे हो कि इतने बजे सो गए होगे। आपका कमेंट सेक्शन देख लो आप तब तक। ओहो कैसे हो? हाँ भाई, आज पूरे दिन रुचा ने व्लॉग शूट किया, आप लोगों ने देखा। वो उसके नाना के गांव गई थी, फिर उसकी फ्रेंड को सी ऑफ करने के लिए एयरपोर्ट गई थी, सब आप लोगों ने देखा। लेकिन भाई आपका भाई कमेंट सेक्शन में तो कभी मिस नहीं करेगा, वो आपको भी पता है भाई। देखो लेकिन इसके पीछे का भी एक रीज़न है, क्योंकि मेरे को भी आज ऑफिस में बहुत सारा काम था, और रुचा ऐसे इवेंचुअली कोइंसिडेंसली वो भी ऐसे बाहर जाने वाली, तो मैंने उसको पूछा कि तू शूट कर लेगी क्या, क्योंकि आपको पता है भाई उसके नखरे बहुत है, नहीं मैं तो बाहर जा रही हूँ, मैं शूट नहीं करूँगी, अगर मैं शूट करना भूल गई तो ये वो फलाना ढिमकाना। लेकिन कोइंसिडेंसली रुचा ने भी हाँ बोल दिया कि ठीक है प्रेरक मैं शूट कर लूँगी। मैं बोला चलो भाई सही है, अपनी तो निकल पड़ी। तो बस यही हुआ, आज मैं पूरे दिन ऑफिस था यार, मतलब पूरे दिन ऑफिस। जस्ट मैं अभी 8:30-9 बजे घर पे आया, और मम्मी और वो लोग तो चले गए हैं भाई, बस यही सीन चल रहा है। मम्मी और आशु भी चले गए, आशु की भी वहाँ पे एग्ज़ाम है, और फिर जो मम्मी का गांव है वहाँ पे कुछ खोड़ियार माता का जो मंदिर का स्थापना हुआ था
उसके 50 साल कंप्लीट हो रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत बड़ा फंक्शन है 2-3 दिनों का, तो दैट्स वाई वो लोग भी वहाँ पे गए हैं। बाकी चलो कोई नहीं, बढ़ते हैं आपके और हमारे फेवरेट कमेंट सेक्शन की ओर। तो भाई पहली कमेंट है कि प्रेरक भाई एंड रुचा दी, आप पहली बार कहाँ मिले थे और कैसे मिले थे? तो भाई देखो, हम लोग पहली बार मैं और रुचा अहमदाबाद में ही मिले थे, बस ऐसे ही मिलने का प्रोग्राम बनाया था। बहुत टाइम से चैटिंग वैटिंग और ये सब चल रहा था, तो मैं उसको घर पे उसके पिक करने के लिए गया था, बस ऐसे ही मिले थे। देन एक नेक्स्ट कमेंट है कि रुचा दी किसकी एग्जाम देने के लिए गई है, और प्रेरक भाई आप रिनोवेशन का घर का काम, घर के रिनोवेशन का काम एक बार कंप्लीट हो जाए फिर एकदम मस्त हेयर लुक एंड सेविंग सेटिंग करवा, अच्छा बियर्ड सेटिंग, बियर्ड सेट करवा देना। हाँ तो भाई वो तो मैं करवा ही दूंगा, बियर्ड और मस्टेच तो मैं सेट करवा ही दूंगा, लेकिन हेयर का सोच रहा हूँ थोड़ा लॉन्ग करने के लिए, तो एक थोड़ा नया लुक निकल के आएगा, क्योंकि जब मेरे बाल लंबे थे तब मेरे को बियर्ड और मस्टेच नहीं थी, और बियर्ड और मस्टेच आना स्टार्ट हुई तो मैंने बाल कभी लंबे किए नहीं उसके बाद, तो सोच रहा हूँ कोई नया कॉम्बिनेशन ही आ जाएगा बाहर, बाकी देखते हैं वो तो ग्रेजुअली जो होगा वो आपको पता चली जाने वाला है। एंड देन एक कमेंट था कि प्रेरक भाई रुचा दी एक चीज़ का जवाब दो, पीछे जो फोटो फ्रेम लगी हुई है उसको डेली देखते हो तो कैसा फील आता है एक दूसरे को, कि मैरिज के पहले अच्छा था या मैरिज के बाद? क्वेश्चन फनी मोड में है तो आंसर भी फनी मोड में देना। तो भाई देखो एक सच बात बोलूँ आपको, टच वुड बात बता रहा हूँ, कि मैंने और रुचा ने शादी के बाद कम से कम 3 या 4 बार ये फोटो साथ में ऐसे देखा होगा, हम दोनों देखते तो हम दोनों के मुंह से एक ही बात निकलती है, यार कितने पतले थे, बस दैट्स इट। और कोई ज़्यादा थॉट वॉट, ना कोई फिलोसॉफी, ना कोई साइकोलॉजी, ना कोई कुछ नहीं भाई ऐसा कुछ। बाकी तो देखो मैरिज के बाद ही अच्छा है, मैरिज के पहले वो अहमदाबाद थी, मैं सूरत था, तो फ़ोन पे बात करना, वीडियो कॉल करना वगैरह वगैरह सब चलता रहता था, इससे अच्छा अभी हम दोनों साथ में एकदम बढ़िया है। पता नहीं यार आज घर बहुत दिनों बाद काम किया ना ऑफिस जाके, इसलिए थोड़ा बौखला गया हूँ रे मैं। बाकी कोई नहीं, चलो गाइस आज के व्लॉग को करते यहीं पे एंड। अगर आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया है तो गिव इट अ थम्स अप, चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं आपको कल के नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय गाइस, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल।